हे गाइस, अभी जल्द ही एक नया सर्कुलर आया है NSC के तरफ से, जो कि मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर को बैन किया गया है। मतलब जो हम स्टॉप लॉस लगाते थे, स्टॉप लॉस टू टाइप का होता है, एक SLM ऑर्डर और एक नॉर्मल लिमिट ऑर्डर। अभी SLM ऑर्डर को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि फ्री ट्रेड्स को नज़र में रखते हुए, काफ़ी ज़्यादा फ्री ट्रेड्स हो रहे थे और उनको नज़र में रखते हुए इस चीज़ को बैन किया गया है। काफ़ी अच्छा भी है आपके लिए, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाइए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लिमिट ऑर्डर प्राइस और ट्रिगर प्राइस में थोड़ा सा गैप अच्छा रखिए। मैं आपको यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग की साइट पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप थोड़ा सा गैप बड़ा रख सकते हैं। जिस तरह से समझ लीजिए, मैंने ये 38,000 के ऑप्शन को बाय ऑर्डर लगाना है और मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। मैं एडवांस ट्रेड में गया, एडवांस ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया। अभी देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट होता था, मार्केट पे नहीं होगा। अब लिमिट पे लगाना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस और ये प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा। समझ लीजिए, प्राइस को मैं रख देता हूँ 300 रुपये और इसको रख देता हूँ 298 रुपये। मैंने 2 रुपये का चेंज रखा है। एक सेकंड, क्वांटिटी मैं रख देता हूँ 1, ठीक है ना। अभी मैंने कंफर्म क्लिक कर दिया और यस कर दिया। अभी मैंने 2 रुपये का फ़र्क रखा था। अभी देखिए, मेरा AMO ऑर्डर पेंडिंग हो गया, आज मार्केट बंद है इसकी वजह से। तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यस, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और पैनिक मत होइए। अगर आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो रहा है, SLM ऑर्डर आप लगा रहे थे और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो पैनिक मत होइए। बढ़िया है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए एंजल लेके सॉरी यहाँ पर NSC लेके आया है। बढ़िया चीज़ है। आप चाहो तो एक बार इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, ओके यार।